पहचान बड़े लोगों से नहीं बल्कि समय पर साथ देने वाले लोगों से होनी चाहिए, क्योंकि यही एक दुनिया का सबसे बड़ा सच है। जब से हमारा बिजनेस शुरू हुआ है तब से बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग प्रकार के सवाल आ रहे हैं, और जब हमारा बिजनेस शुरू नहीं हुआ था तब भी अलग अलग प्रकार के सवाल आ रहे थे, और उन सारे सवालों के जवाब समय समय पर लोगों को मिलते भी गए। और आज बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वॉलेट टू वॉलेट के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम सब लोगों के लिए जानना। क्योंकि जैसा कि पहले आपको पता है कि एस मुफारिसन ने भी इसके बारे में बहुत कुछ कहा है वॉलेट टू वॉलेट के बारे में, लेकिन अभी तक ये वाला प्रोसेस जो है किस तरीके से शुरू होगा, किस तरीके से शुरू नहीं होगा, किस तरीके से क्या होगा, वो आगे पता चलेगा। लेकिन आज वॉलेट टू वॉलेट के बारे में बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, तो आज इस प्रश्न का जो है पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो आज मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप जुड़े हुए मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहली चीज तो ये है कि वॉलेट टू वॉलेट, अभी यहां पे बहुत सारे लोग अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने पहले फाउंडिंग मेंबर्स की जो एक बहुत अच्छी खासी टीम बनाई थी उनके माध्यम से उनकी अर्निंग भी आ चुकी है। तो यहां पे सबसे पहली चीज तो ये है कि लोगों का ये कहना है कि सर क्या हमारे पास जो अर्निंग आई है क्या हम उसको अपने दूसरे जो हमारे पास एक और मल्टीपल आईडी में, मतलब दूसरी आईडी एक और है हमारे पास, उस आईडी में उसकी वॉलेट में हम ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सबसे पहला सवाल। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई भी इनकम अभी कमा ली है और आपके पास दो आईडी हैं, तीन आईडी हैं, चार आईडी हैं, और आपके पास इतना पैसा नहीं है अभी कि आप दूसरी तीसरी चौथी भी आईडी एक्टिवेट कर पाएं, तो आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि क्यों ना हम अपनी उस इनकम को दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर कर लें। तो उसका आंसर ये है, सबसे पहले चीज तो आपको ये समझनी है कि अभी जो हमारा फर्स्ट वर्जन है ओ कनेक्ट का, तो यहां पे जो बिजनेस चालू है, जो बिजनेस अभी शुरू हो चुका है, इस फर्स्ट वर्जन के अंदर हमारा वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि अभी ये पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है। अभी आपको आपने देखा था कि एक हफ्ते पहले के आसपास आपने देखा होगा, महसूस भी किया होगा कि कुछ दिनों के लिए हमारा जो वॉलेट था, हमारा जो पेमेंट कार्ड वाला ऑप्शन था, वो पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया किसी वजह से। थोड़े बहुत इसमें इश्यूज आ गए थे, ग्लिच आ गए थे। तो इसी तरीके से जब ये वॉलेट टू वॉलेट का भी जब ऑप्शन आएगा, तो इसको कंपनी चाहती है कि इसको ये तब अप्लाई किया जाए जब ये हमारा जो ट्रांसफर होने का जो सिस्टम है, चाहे हम अपने बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, वॉलेट से बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, या हम यहां पे कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने के लिए पेमेंट कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से स्टेबल हो जाए। अगर ये पूरी तरीके से स्टेबल हो जाता है फिर आगे जो भी एक प्रक्रिया या जो भी प्रोसेस रहेगी तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी क्या है कि अभी 10 से 15 दिन का समय भी लग रहा है, आपको पता है जब भी आप अपना वॉलेट लगाते हैं, जब भी आप अपना विड्रॉ लगाते हैं, तो आपको पता है कि मैक्सिमम 15 दिन का समय लग रहा है मैक्सिमम। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने अपना एक्सपीरियंस बताया है कि उनका किसी का 7 दिन के अंदर भी विड्रॉल आ चुका है बैंक अकाउंट के अंदर, किसी का 10 दिन में आ चुका है, किसी का 7 दिन में भी आ चुका है, लेकिन कंपनी यहां पे 5 दिन से लेकर के 15 दिन तक का समय ले रही है, आधे महीने का समय ले रही है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी प्रोसेस है ना, उससे कंपनी को गुजरना पड़ता है। और ये सारा का सारा जो काम है वो मैनुअली हो रहा है। मैनुअली का मतलब है कि बिल्कुल इंडिविजुअल, अगर मेरे पास 10 अकाउंट आ गए कि आपको ये वेरीफाई करना है, तो वहां पे जो टीम बैठी हुई है तो उनको वो 10 के 10 अकाउंट वेरीफाई खुद करने हैं। तो इस तरीके से हर एक इंडिविजुअल, वहां पे जो टेक्निकल टीम है, जो डिपार्टमेंट है, वो एक इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। सो जब तक हमारा जो ये ट्रांसफर का सिस्टम है, प्रोडक्ट परचेस करने का सिस्टम है, या हमारे बैंक अकाउंट में जो हमने विड्रॉल लगाया है उसका पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये पूरी तरीके से जब तक स्टेबल नहीं हो जाता है, तब तक वॉलेट टू वॉलेट वाला ट्रांसफर वाला जो ऑप्शन है ये एक्टिवेट नहीं होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। एस मुफारिसन ने बोला था कि ये होगा और ये जरूरी भी है, बिकॉज हम सब लोगों के पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, फाउंडिंग मेंबर हैं, जिनके पास मल्टीपल आईडी हैं, जिनके पास एक से ज्यादा आईडी हैं, और आने वाले वक्त के अंदर उनकी जो इनकम होगी या उनका कोई भी बैलेंस रहेगा, या हो सकता है कि कोई माइनर आईडी भी हो सकती है। जी हाँ, माइनर आईडी भी हो सकती है, जैसे कि किसी बच्चे की आईडी हो सकती है, और आपको पता है कि
आईटी चाहे किसी की भी हो, अगर वो एक्टिवेट है और एक्टिवेट हो चुकी है, प्रोडक्ट परचेज हो चुका है उस आईडी के ऊपर, तो कंपनी की तरफ से ट्रैफिक भी मिलना है, और कंपनी की तरफ से जब ट्रैफिक मिलेगा तो उसमें बहुत सारी एक इनकम भी जनरेट होगी। सो इसलिए भी ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वॉलेट टू वॉलेट अगर ट्रांसफर होता रहेगा तो इसमें ज्यादातर जो है उन लोगों को कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, जैसे कि किसी का बैंक अकाउंट नहीं लग पा रहा है, या किसी के पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, या किसी बच्चे की आईडी है उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है और उनका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में ये जो वॉलेट टू वॉलेट है ऑप्शन, ये बहुत ज्यादा अच्छा काम करने वाला है। सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है जो भी हमारे मल्टीपल आईडी वाले जितने भी लोग हैं। और इसके अलावा ऐसे हमारे बहुत से और भी साथी होंगे जिनको कभी किसी की जरूरत होती है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास किसी की कॉल आती है कि सर मुझे $50 की या $10 की या $100 की जरूरत है, या किसी को दान भी देने पड़ सकते हैं, तो आप इस तरीके से भी आप वॉलेट टू वॉलेट भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे हम किसी को भी जो है डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ना भेज करके, अगर किसी को आपस में लेन देन भी अगर करना होगा किसी वजह से, ओके, तो आप अपना वॉलेट टू वॉलेट भी आप लेन देन आराम से कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। लेकिन जब हमारा ओ कनेक्ट का जो दूसरा वर्जन, हमारा नेक्स्ट अपडेटेड वर्जन जो आने वाला है, अभी नहीं, आफ्टर 3 मंथ ही आप आएगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है, और आप पहले से ही आपको पता है कि हर हफ्ते एंड हर साल हर हफ्ते अपडेट किया जाएगा और हर साल अपग्रेड किया जाएगा हमारा ओ कनेक्ट, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो ओ कनेक्ट है वो 3 महीने की पूरी एक लंबी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में हमारा नेक्स्ट वर्जन यहाँ पर आने वाला है। जब नेक्स्ट वर्जन आएगा हमारे पास से एक नए लुक में आएगा, उसमें बहुत सारे और भी हमें फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। तो पहली साइकिल खत्म होने के बाद अगर जब ये आएगा, तो वहां पे हमारी जब पहली साइकिल खत्म हो जाएगी और हम जब दूसरी साइकिल में अपनी खरीदारी करेंगे, तो वहां पे ये 100%, जी हाँ, वहां पे ये 100% हमारा जो वॉलेट टू वॉलेट का जो एक सिस्टम है तभी ये एप्लीकेबल हो पाएगा। बिकॉज ये सर नहीं पहले बोल दिया है कि अभी इस समय नहीं होगा, और इस समय कोई भी सुविधा नहीं है, आप वॉलेट टू वॉलेट कुछ भी नहीं कर सकते अभी। आप अगर आपको अपनी आईडी एक्टिवेट करनी भी है तो आप उसी आईडी पर ही आप जाकर के सारे काम कर सकते हैं, और अगर आपको उस आईडी पर कोई भी इनकम अगर बन चुकी है तो आप अगर उसको लेना चाहते हैं, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आपको अपना उसी आईडी के अकॉर्डिंग ही अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अभी ये जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आपके मन में आ रहे हैं, तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, ये जरूरी भी है, और ये जो प्रोसेस रहेगी ये बहुत ही ज्यादा इजी भी रहेगी। जिस तरीके से हम अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिस तरीके से हम विड्रॉल बहुत ही आसानी से लगा देते हैं, उसी तरीके से ये जो वॉलेट टू वॉलेट का जो ट्रांसफर का ऑप्शंस रहेगा ये भी बहुत ही इजी रहेगा, और इसमें हैंड टू हैंड हमारा एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर पैसा दिखाई भी देगा कि हाँ चलो मैंने अभी किसी को $10 का मैंने ट्रांसफर किया वॉलेट टू वॉलेट, तो आराम से वो पहुंच गया। लेकिन इसकी फुल प्रोसेस जो होगी वो हमें आगे आने वाले वक्त में ही पता चलेगी, अभी इसके बारे में पता नहीं लगने वाली है। और ये जब तक हमारा दूसरा साइकिल है, जब तक ये दूसरा साइकिल नहीं आएगा, तब तक वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर का ऑप्शन एक्टिवेट नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पे आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है, और जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाता तब तक हमारा स्टेबल भी हो जाएगा 2-3 महीने में, और 2-3 महीने में जब स्टेबल हो जाएगा उसके बाद ये वॉलेट टू वॉलेट का ट्रांसफर भी ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। सो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखें। अगर आपके मन में वॉलेट टू वॉलेट का जिक्र आ रहा है कि मेरे पास कुछ भी जनरेट हो चुका है रेवेन्यू और मैं उसको दूसरे आईडी पर ट्रांसफर कर लूं, तो आप नहीं कर पाएंगे, आपको अपने ही पॉकेट से अभी परचेज करना पड़ेगा। सो आई होप आपको फर्स्ट साइकिल के एंड होने का वेट करना है और सेकेंड साइकिल के स्टार्ट होने का आपको वेट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वी आर सो नीड टू विन इट।